गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स. टुडे वी डिस्कस जस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फाइव, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. वी डिस्कस सम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो. टुडे वी डिस्कस रेस्ट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. थर्ड वन इज विनोइंग. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड इज कॉल्ड विनोइंग. इस मेथड में क्या होता है, पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स, दैट मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जो ज़्यादा वेटेड नहीं होते हैं, उनको विंड की हेल्प से सेपरेट किया जाता है. आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर सेपरेट ग्रेन्स एंड चिप बाय विनोइंग अ फार्मर लेट्स द ग्रेन्स फॉल फ्रॉम अ हाइट. इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं विंड की, जब ग्रेन कट के आते हैं, दैट मीन्स जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको विंड की हेल्प से सेपरेट करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा घर में गेहूं, ये सब चीज़ें जब साफ़ होती हैं तो क्या होता है, ये साफ़ करने वाली चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, जिससे कि हवा आए और वो चीज़ें सेपरेट हो जाएँ. फोर्थ वन इज सीविंग. जनरली इम्प्योरिटीज लाइक पीबल्स, हक्स एक्स्ट्रा आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन एक्स्ट्रा बिफोर ग्राइंडिंग दैम इन द मील बाय शीविंग. फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉयल एंड अदर अनलस पार्टिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन. यू मस्ट हैव सीन योर मदर और सिस्टर रिमूविंग हक्स एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फ्लोर बिफोर कुकिंग. दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ फाइन शीव. शीविंग में क्या होता है, चलनी देखियो, ये जब आप आटा आता है तो डायरेक्ट उससे रोटी नहीं बनाते हैं, पहले उस आटे में से कुछ इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए चलनी से उस गेहूं को चाला जाता है, उसके बाद इससे रोटियां बनाई जाती हैं. सीविंग में ये होता है कि चीज़ों को सबसे पहले चलनी से, ऐसी चीज़ बारीक चीज़ जिससे डस्टिंग, जो मेन पार्टिकल है वो नीचे चला जाए और जो डस्ट पार्टिकल है, दैट मीन्स जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर रह जाए. या आपने देखा होगा बालू जब चाली जाती है तो बालू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो चलनी से नीचे, छलने से नीचे हो जाते हैं, और जो बड़े बड़े रॉक्स स्टोन टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस चलनी के ऊपर रहते हैं. प्रिंसिपल क्या, सेविंग इज यूज टू सेपरेट दोज कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच हैव डिफरेंट साइज. सीविंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे जिस मिक्सचर में जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं. फिल्ट्रेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग टी. हाउ डज योर मदर सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सब जब चाय बन जाती है तो मम्मा कैसे सेपरेट करती है टी लीव्स को. इट कैन सम वॉट बी डन बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, बट स्टिल सम टी लीव्स आर लेफ्ट. दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज द मेथड इन विच द इनसॉल्युबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग इट थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन. इस प्रोसेस में क्या होता है, एक छन्नी या चलनी लगाई जाती है जिसमें से आपका लिक्विड पोर्शन तो नीचे हो जाता है, ग्लास वगैरह में स्टोर हो जाता है, और जो रेस्ट पार्ट है वो छन्नी के ऊपर हो जाती है. ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. समटाइम इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग और विनोइंग. कभी कभी तो हम चीज़ों को नॉर्मली हाथों से पिक करके निकाल लेते हैं, और कभी कभी हवा से, हवा की वजह से अगर छोटे पार्टिकल्स से लाइट वेटेड है तो वो हट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स एंड पल्सेस मे हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और डस्ट. कभी कभी जो सीरियल्स और पल्सेस होते हैं उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं जिनको नॉर्मली हम हाथ से पिक कर करके निकाल देते हैं. सो बिफोर कुकिंग राइस एंड पल्सेस आर वॉश थॉरली टिल दे बिकम क्लीन. और उसके बाद हैंड पिकिंग या विनोइंग के बाद हम क्या करते हैं, पल्सेस या सीरियल्स को अच्छे से धो लेते हैं. राइस और पल्सेस को बनाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं एक दो बारी, तो वो साफ़ हो जाते हैं. उसके बाद हम इसको, ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है. इम्प्योर वाटर इज पोर्टेड आउट बाई टिल्डिंग द वेसल्स, टीलिंग द वेसल्स ऑफ
लाइट एंड फूड आइटम इज लेफ्ट इन द बॉटम ऑफ द वेसल्स. जब हम किसी भी वेसल में राइस और पल्स को लेते हैं, उसमें पानी डाला और अच्छे से उसे साफ कर लिया, थोड़ा सा टिल कर दिया उस वेसल को, सारा पानी बाहर हो गया और बॉटम में हमें क्या मिल गया, क्लीन फूड आइटम हमें मिल गया. द सेटिंग डाउन ऑफ वेरी हैवी पार्टिकल्स इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड टू बी सेपरेट द अपर क्लीन लेयर ऑफ द लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बाय टिलिंग द वेसल स्लोली इन टू अनदर इज कॉल्ड डिकेंटेशन. कभी कभी थोड़ी हैवी इम्प्यूरिटीज़ जो उस पानी में नहीं घुल पाती है, वो हैवी फूड आइटम्स के साथ नीचे बैठ जाती है जो पानी में इनसॉल्युबल होती है. तो वो क्या है, वो प्रोसेस, वो है सेडिमेंटेशन. एंड टू सेपरेट द अपर लेयर ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर वेरी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. और कभी कभी जो आपका जो पार्टिकल, जो डस्ट आपके पानी के ऊपर वाली लेयर के साथ होती है, जब हम वेसल को टिल करते हैं और वो बाहर चली जाती है धीरे धीरे वेसल से, इंटू अनदर इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इसका प्रिंसिपल क्या है, सम सब्सटेंस बींग हैवी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द वेसल एंड क्लीन वाटर इज फाउंड अबव इट. लोडिंग, लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. इन दिस मैटर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन आर मेड हैवी. लोडिंग क्या प्रोसेस है, इसमें जो रेट है सेडिमेंटेशन का वो बढ़ जाता है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करते हैं, सोल्यूशन को हैवी बना देते हैं. एग्जांपल से समझते हैं, सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी मेड हैवी बाय लोडिंग. इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द एलम इज डिजॉल्व इन वाटर. हम इसमें क्या देख रहे हैं, फिटकरी एलम है आपकी, ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है. इट मेक द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैवी, और ये क्या बना दे रही है, सॉइल को हैवी बना दे रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉइल पार्टिकल्स सून सेटल डाउन एंड वाटर इज मेड क्लीन. ये फिट, जब हम इस एलम को डालें, दैट मीन्स ये मिट्टी वाला पानी, जब हम इस एलम को डालते हैं, जब इसको घोलने लगते हैं, तो मिट्टी का क्या हो जाता है, जब पार्टिकल्स है वो हैवी होने लगते हैं और धीरे धीरे सेटल डाउन नीचे में बैठ जाते हैं, दैट बॉटम में बैठ जाते हैं और ये पानी पूरी तरह से क्लीन हो जाता है. दिस क्लीन वाटर कैन ईजिली बी डिकेंडेड इन टू अनदर बीकर. फिर इसको सिंपली किसी दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि जो मिट्टी वाले पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. Different methods for purification of water. अब पानी को कैसे प्यूरीफाई किया जाए, उसके मेथड्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं. रेन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. दिस वाटर गोज अंडरग्राउंड फ्रॉम वेयर इट इज रिगेंडेड इन डिफरेंट फॉर्म टू बी यूज फॉर वेरियस पर्पज. इन फैक्ट मैनी इम्प्यूरिटीज आर मिक्सड इन दिस नेचुरली अवेलेबल वाटर ड्यू टू विच इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई दिस वाटर बिफोर यूज. सम इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर आर एज फॉलोज. हमें पता है पानी का अर्थ पे मेन सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, रेन है, बारिश से ही पानी आएगा. ये वाटर कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड हो सारे पानी का तो हम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते इस पानी को, तो ये पानी क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड ही हो जाता है पूरी तरह से. और फिर इसको डिफरेंट फॉर्म से यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी इस पानी में मिल जाती हैं, जो हमारे लिए क्या है, पानी तो बहुत सारा अवेलेबल है पर इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है. फिर इस पानी, यही पर हमें पानी तो चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके 12 मंथ्स रेनफॉल हो, ऐसा तो होता नहीं है. तो इनका यूज़ कैसे होता है, अंडरग्राउंड वाटर से जब वाटर को लिया जाता है तो उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसका
यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको कुछ मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरीफाई करने का। फर्स्ट वन है सिंपल वाटर फिल्टर। फ्रॉम प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सम वाटर फिल्टर्स आर यूज्ड इन होम। दीज फिल्टर रिमूव द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टैप वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इन दिस वाटर फिल्टर देर इज द पोरस सिरेमिक वेसल्स। When impure water is passed through these porous vessels, its solid undesirable impurities are left in the filter and pure water comes out. हमारे घर में water filter use होते हैं, ठीक। उसमें क्या लगा होता है, ceramic vessels होती हैं जिससे होके क्या होता है, पानी pass होता है। जब हम tap on करते हैं अपने water filter का, जो हमें पानी मिलता है वो पूरी तरह से pure होता है। ये ceramic vessels क्या करते हैं, जो भी उस पानी में इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें प्यूरीफाइड वाटर देते हैं। मेटालिक फिल्टर टू प्यूरीफाइंग सीवेज वाटर। मेटालिक फिल्टर आर यूज इन बिग सिटीज। दीज फिल्टर्स रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर लाइक पॉलीथिन बैग्स, स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ एक्स्ट्रा। सीवेज वाटर को साफ़ करने के लिए मेटालिक फिल्टर का यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। ये फिल्टर क्या रिमूव कर देता है, सॉलिड वेस्ट जैसे कि बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स, कुछ कपड़े, इन सब चीज़ों को क्या करता है, प्यूरीफाई कर देता है, फिर हमें प्यूरीफाई वाटर मिलता है। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर। Nowadays, electric water filters are much in use for purification of water. In this filter, water is passed through a special metallic called resin. Resin filters solid impurities. After this, water is passed through the other filter. The ultraviolet rays present there destroy the germs and we get safe water. हमारे घर में RO purifier लगा है। ये electric water purifier होता है। इसमें resin होता है जो solid चीज़ों को, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करता है और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें साफ पानी मिलता है पीने को। वाटर वर्कर्स इन बिग सिटीज़, वाटर इज सप्लाइड फॉर वाटर वर्क्स। इन दीज वाटर वर्क्स मेथड लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग फिल्टर एक्स्ट्रा आर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। क्लोरीन इज़ यूज टू किल हार्मफुल germs present in water. These pure and clean water is collected in a storage tank from where water is supplied to domestic use. Water works क्या होता है, बड़ी बड़ी cities में अभी हम लोग ने sedimentation, decantation का process पढ़ा है, loading और filter का, तो इसमें इन सब चीज़ों का use होता है। साथ ही chlorine powder का use किया जाता है जिससे harmful bacteria जो पानी में present होती हैं वो पूरी तरह से destroy हो जाती हैं। उसके बाद इस पानी को मेन जो बड़ा स्टोरेज टैंक होता है उसमें सेव किया जाता है, फिर उसकी सप्लाई जगह जगह दी जाती है, उस पानी को लोग पीते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।